भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कांग्रेस के आरोप पत्र को सिर्फ सुर्खियां बटोरने का हथकंडा बताया है। राजधानी भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्वयं कभी अपने आरोप पत्र को गंभीरता से नहीं लेती। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला द्वारा मंगलवार को प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ 28 पन्नों का आरोप पत्र जारी किया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने कहा कि कांग्रेस पहले भी इस तरह के आरोप पत्र जारी करती रही है। पार्टी ने 2013 में भी इसी तरह का आरोप पत्र जारी किया था और हर बार ऐसा ही करती रही है। झा ने कहा कि पार्टी आरोप पत्र तो जारी करती है, लेकिन आरोपों को खुद गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि यदि कांग्रेस अपने आरोपों को सही मानती है तो बताए कि पिछले 15 सालों में पार्टी ने इन आरोपों को लेकर कितने धरना प्रदर्शन या आंदोलन किए हैं। मैं भी चुनाव प्रचार में था और कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में थी। 2013 का आरोप पत्र उठा लीजिए और 2015 में या 18 में जो आरोप पत्र है उसको मिला लीजिए। ये कांग्रेस की हताशा और निराशा का पत्र है। एक लाइन में कहूं, अरे मेरे नाकारा कांग्रेसियों, क्या कर रहे थे 15 साल तक? अगर तुम्हारे आरोप पत्र में इतने आरोप थे, क्या किया आपने? कोई आंदोलन, कोई धरना? ये पाप क्यों किया आपने? अगर हम पाप कर रहे थे तो 2008 में क्यों जीते? अगर हम गलत कर रहे थे 2013 में क्यों जीते? अगर हम गलत कर रहे हैं तो 2018 में जीतने की संभावना क्यों? ये आरोप पत्र सिर्फ अखबार की खबरें बनने के लिए? क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे थे आप? भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन नितिन मालवीय के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।